आपके अपने YouTube चैनल वगैरह सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपका कल अब आपका 18 मार्च को कल कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ओके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है रसायन शास्त्र के पेपर के लिए क्या है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ देखने वाले हैं। आपके क्या है आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगा। ओके इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वास्तव में आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं ओके तो क्या है वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट क्या है अभिक्रिया के नाम पर भाग जाते हैं और उसी में क्या है नंबर कटते होते हैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इसलिए अभिक्रिया थोड़ा हार्ड रहती है बस, लेकिन अगर आप समझेंगे उसे थोड़ा टाइम देंगे तो आपसे जरूर बन जाएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो आपका अभिक्रियाएं आती हैं वो अधिकतम आपका किससे आने स्टार्ट होती हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एलिन वाले चैप्टर से, एल्कोहल फिनोल ईथर से, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सामिल तीन चैप्टर हो गए, और दो तीन मुख्य अभिक्रिया एमीन वाले चैप्टर से, उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो मैं पूरी आपको इन चार चैप्टर की क्या है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अपन देखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एलिन वाले चैप्टर से, उससे आपने कहा चार नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो डायरेक्ट आपसे चार अभिक्रियाएं पूछ लेगा। ओके और आपको अभिक्रिया का आपको ये डिटेल नहीं लेनी है, ये डिटेल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा समीकरण लिखिए जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया था। ओके तो आपको सबसे मेन तैयार करना है, ये मेन होता है। ओके तो इसे आपको तैयार करना है, ये तैयार ना होगा तो भी चल जाएगा, अगर आप इसे नहीं लिखते हैं। ओके तो ये बस लिख के आते तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, अगर लेकिन आप ये लिखा दे हैं हिंदी लेकिन ओके थ्योरी, लेकिन अगर आपको समीकरण से नहीं बता दे तो आपको चाहे नंबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओके इसलिए आपको मेन लीडर यही है पूरा समीकरण ओके अभिक्रिया, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। पहले आपको तैयार करना है सेंड में अभिक्रिया को ध्यान से समझाइए। ओके 2019 में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है हुंस डीकर विधि या हुंस डीकर अभिक्रिया। ओके तो इसमें क्या है आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड बनता है। ओके ये आपको अच्छे से अभिक्रिया तैयार करनी है, लिख के तैयार करिएगा, बार बार लिखिएगा तब आपको अच्छे से याद होगा। ओके बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है, थोड़ी भी गलती आपको क्या है इसमें आपको नंबर कट सकता है। ओके इसलिए इसमें थोड़ा आपको फोकस जिससे आपको क्या है तैयार करना पड़ेगा। ओके समीकरण आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके फॉर्मूला आपको पहले नाम याद होना चाहिए उसका, आप क्या है याद होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके ये आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इतना टाइम नहीं मैं आपको समझाऊँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कौन कौन से आपको तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका फीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फीडल क्रॉप्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कर लेना। क्या है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्या है बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। ओके तो ये आपका दिया है, अच्छे से आपको तैयार करना है, ज़्यादा ये कठिन नहीं है, जो इजी है तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है। ओके ये आपका दिया है फॉर्मूला। ओके असलीकरण भी आपको देखना है तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मैं दोस्तों आपको एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर वाले चैप्टर से बता रहा हूँ, तो उसमें आपको दोस्तों तैयार कर लेना है रीमर टीमर अभिक्रिया और कॉल्बी अभिक्रिया, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2020 की परीक्षा में आ चुका है। ओके तो हो सकता है 2023 में रिपीट हो जाए। ओके इसलिए तैयार कर लीजिएगा। ओके ये आपका रीमर टीमर अभिक्रिया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है क्या कॉल्बी अभिक्रिया, पहले आप रीमर टीमर अभिक्रिया का ले लीजिए। ओके तो आपको सबसे अच्छे से तैयार करना है ये पूरा फॉर्मूला, ये आपका याद होना चाहिए अभिक्रिया। ओके चाहे आप हिंदी याद हो चाहे ना हो लेकिन आपको ये अच्छे से तैयार होना चाहिए, हिंदी बना सकते हैं इसलिए आपको ये अभिक्रिया अच्छे से तैयार करनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको कॉल्बी अभिक्रिया ये आपका दिया है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ये आपका आगे इसके आगे ये आपका ये दिया है कॉल्बी अभिक्रिया, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है ये वाला। ओके अभिक्रिया नहीं लेकिन उसी के रूम में आपको अभिक्रियाएं हैं। ओके क्या है ये इंपॉर्टेंट है, शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस है परंतु कुछ समय बाद गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट 2018 की आ सकता है आया था। ओके तो इसलिए आगे आपका 2023 में आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके इजी नहीं, इजी है बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको बता देना है जब फिनॉल क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो क्यूनेन बना देता है। ओके और क्यूनेन आपका ये दिया है, फिर एक बार फिर आप क्या है आपका दो फिनॉल से मिलता है तो आपका क्या है फिनोक्यूनेन बनाता है जो कि गुलाबी रंग का होता है, इजी है देख लिए, तो ये आपका दिया है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके ये भी आपके इसमें भी अभिक्रिया से पूरा खेल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके आपका 2016 में पूछा जा चुका है फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण बस आपको देना है, इसे आपको फिनॉल से तहत 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त करना है, बेंजीन आर्थो पैरा क्यूसॉल ये सब प्राप्त करना है, तो उनकी क्या है किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है अभिक्रिया से बनाया गया कि फिनॉल की हम क्रिया किससे कराएं किसकी उपस्थिति में कि हमें क्या है ये प्राप्त हो जाए जो उन्हें कहा गया है। ओके ये आपका अभिक्रिया आपको पूरी अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके अगर प्रीवियस ईयर के लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं। ओके जिससे क्या है आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, ये आपका दिया है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है।
साथ ही आपको क्या है फिनॉल और एल्कोहल में मैंने आपको पहले ही बता दिया अंतर, अच्छे से तैयार करके जाइएगा फिनॉल और एल्कोहल में अंतर। ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर से बता रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले से। तो इसमें आपको तैयार कर लेना सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रिप्टन कैसे प्राप्त करेंगे यूरोट्रिप्टन की संरचना सूत्रों के तैयार कर लीजिएगा। ये आपको डायग्राम भी देख लेना है यूरोट्रिप्टन की संरचना सूत्र किस प्रकार से ये आपको तैयार कर लेना है। ओके तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कैसे प्रकार से इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से क्या है आपका यूरोट्रिप्टन बनता है। ओके तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र आपका HCHO। ओके लेकिन आपको क्या है फॉर्मेल्डिहाइड 6 लेना है जबकि आपको क्या है अमोनिया के क्या है आपको 4 अणु लेना है क्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा यूरोट्रिप्टन। यूरोट्रिप्टन का नाम रियल नाम क्या है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को क्या है यूरोट्रिप्टन कहते हैं आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके तो आपको मेन आपको ये याद होना चाहिए इनका सूत्र होंगे तो आप हो जाएगा आराम से। ओके क्या तैयार करना है फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से क्या है यूरोट्रिप्टन प्राप्त होता है। ओके नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके क्या है आपका ये 2020 के में आ चुका है आपका क्या है टॉलेन अभिकर्मक क्या है। ओके टॉलेन अभिकर्मक से पूछा जा सकता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा क्या है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। ओके जब टॉलेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड AG पॉजिटिव आयन को AG में अपचयित कर देता है और परख नली की दीवार पर चमकदार रजक दर्पण बनाता है। ओके रजक दर्पण बता दें ये पूरी जो अभिक्रिया है ये क्या है टॉलेन अभिकर्मक है। ओके ये आपका क्या है टॉलेन अभिक्रिया है। ओके और टॉलेन अभिकर्मक क्या है अमोनियम मय सिल्वर नाइट्रेट को क्या है टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। ओके और ये वाला जो क्या है ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि टॉलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं तो आपको बताना है अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट को क्या है टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं और ये आपका दिया है पूरी अभिक्रिया। ओके चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है स्टीफेन अभिक्रिया और बेंजोइक संघनन को उदाहरण सहित समझाइए। ओके तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टीफन अभिक्रिया है 2019 में आ चुका है। ओके तो अच्छे से आपको तैयार करना है स्टीफन अभिक्रिया जो लास्ट ईयर आ चुके हैं मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही। ओके तो स्टीफन अभिक्रिया क्या है ये आपका पूरा दिया है क्या है एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलेय कर उसका क्या है आपका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करके भाप आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है यह स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। ओके ये आपका पूरा दिया है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट। ओके चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है परकिन अभिक्रिया। ओके परकिन अभिक्रिया क्या है तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा परकिन अभिक्रिया दिया हुआ है तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है परकिन अभिक्रिया। ओके तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये आपका परकिन अभिक्रिया भी आपको पूरे तैयार करना है जितना बताऊंगा उतना आपको जरूर तैयार करना है। ओके फिर आपका एल्डोल संघनन को समझाइए ये भी इंपॉर्टेंट है 2020 में आ चुका है 16 में भी ये आपका है। ओके तो तैयार कर लेना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ये फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है जब अभिक्रिया जिसमें दो समान या विभिन्न कार्बोनिक यौगिक के अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तनु क्षार जैसे NaOH आदि की उपस्थिति में संयुक्त होकर एक नया यौगिक बनाते हैं जो एल्कोहल और एल्डिहाइड या एल्कोहल और कीटोन दोनों के गुण प्रदर्शित करता है एल्डोल संघनन कहलाता है। ओके तो स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है कैनिज़ारो अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैनिज़ारो अभिक्रिया। ओके मैं शुरू से बोल रहा था कि आपको अभिक्रियाएँ तैयार करते जाइएगा क्यों इसलिए क्योंकि हैवी हो जाता है बहुत हैवी कंटेंट है ये तुरंत ऐसा नहीं कि आप तुरंत एक बार में याद कर लें। ओके तो ये इसलिए मैं पहले से कह रहा था लेकिन अभी भी मौका है आप ऐसा पढ़ सकते हैं। ओके क्या है कैनिज़ारो अभिक्रिया तो आपका कैनिज़ारो अभिक्रिया दी हुई है तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैनिज़ारो अभिक्रिया। ओके चलिए आगे देख लेते हैं तो ये आगे इसमें अभिक्रिया ये दी हुई है लेकिन इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गाटर मान कोच अभिक्रिया और रोजन मुंड अभिक्रिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिटार्ड अभिक्रिया भी ये तीनों को आपको तैयार करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके तो ये आपका दी हुई है आपके गाटर मान कोच अभिक्रिया या एल्डिहाइड संश्लेषण भी लिखा हुआ। ओके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों रोजन मुंड अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोजन मुंड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से आपको तैयार कर लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके इसके बाद दोस्तों आपको रिटार्ड अभिक्रिया देख लीजिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में आ सकता है रिपीट हो सकता है इसलिए आपको इसे भी तैयार कर लेना है ये आपका रिटार्ड अभिक्रिया हो जाता है तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर है एमीन वाले इससे भी आपको 3-4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो इस देख लेते हैं क्योंकि दो ही नंबर का साथ क्वेश्चन आना है इससे दो नंबर का क्वेश्चन आया है दो आपसे अभिक्रियाएं भी पूछ सकता है। ओके ये लिख देगा कि दो ये अभिक्रियाएं हैं इनका क्या ओनली समीकरण लिखिए। ओके एक एक नंबर का हो जाएगा इसलिए आपको उससे तैयार करना है तो उसमें कौन कौन से तैयार करना है सेप्ट अभिक्रिया और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए आगे इसके आगे देख लेते हैं इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है कार्विल एमीन अभिक्रिया। ओके
कार्बल एमीन अभिक्रिया तैयार कर लेना और हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को तैयार करना है। ये केवल दो आपको और तैयार करनी है, तो उसका भी एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपका हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, ओके, उसका भी क्या है स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। ओके दोस्तों, आपको पहले ही बता दिया कि आपको थ्योरी से ज्यादा आपको क्या है समीकरण में तैयार करना है। समीकरण है तो आप क्या है पूरे नंबर आपके हाथ में रहेंगे। ओके, तो ये थे क्या है आपके आपकी कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी अभिक्रियाएं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अनुराग सारी क्लासेस के टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।